तो दोस्तों, जैसे कि मौरकला के बारे में बात कर रहे थे हम, अब इसमें ये ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग के अलावा भी फिक्स डिपॉजिट इनकम का भी ऑप्शन है। अब वो कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके बैलेंस के आगे फाइनेंशियल लिखा हुआ है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे फाइनेंशियल पे, तो ये स्क्रीन अपीयर हो। अब चूंकि मैंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो इसलिए पोर्टफोलियो खाली है, लेकिन यहाँ पे नीचे आते हैं लिखा है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, डी, ई। अब इसी के ऊपर साथ लिखी हुई है परसेंटेज भी, +3%। नीचे डेज लिखे हैं 3 डेज, 7 डेज, 15। इसी तरह दिन ब दिन आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अब इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे कि मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, आप 3 दिन का इसका रेशो निकाल सकते हैं। आप 10,000 रुपया मिसाल के तौर पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 दिन के लिए, 3% परसेंटेज पे, सॉरी 3% पे टाइप ए। अगर इसको मैं 7 डेज पे ले जाऊंगा, +4% के हिसाब से मेरा 2,500 रुपया बन जाएगा। 15 डेज पे जाऊंगा, +5% के हिसाब से मेरा 7,500 बन जाएगा। अब नीचे आते हैं ये दो कैटेगरीज, टाइप डी एंड टाइप ई। टाइप डी भी 30 डेज़ के लिए है, टाइप ई भी 30 डेज़ के लिए है, लेकिन परसेंटेज का फ़र्क है। टाइप डी में 6% है, टाइप ई में 7% है। तो हम क्या करेंगे, 6% पे देखते हैं, हमारा 18,000 रुपया बनता है 30 दिन का, और टाइप ई पे हमारा बनता है 21,000 रुपया परसेंटेज के हिसाब से। तो ये लास्ट वाला, ई वाला ऑप्शन जो है वो बड़ी अमाउंट के लिए बेहतर है, अगर आप लोग चाहें तो। लास्ट वाले दोनों ऑप्शन, टाइप डी एंड टाइप ई। अभी हम 3 डेज़ पे जा जाते हैं कि 3 डेज़ पे अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या 900 मिलेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से शिफ्ट टू, नीचे बटन है उस पर क्लिक करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। हमने शिफ्ट टू पे क्लिक किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब मेरे अकाउंट में से ऊपर 10,000 इन्वेस्ट हो चुका है, जिसका एस्टिमेटेड टोटल 900 है, +300 डेज अर्निंग्स, मतलब कि 900 रुपया +1,000 रुपया जो है तकरीबन मुझे 10,000 के पीछे 3 दिन में प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे ही आप बाकी के भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी।